दोस्तों, जानवरों की दुनिया में एक लकड़बग्घे ही ऐसे जानवर हैं जिन्हें चाहे दूसरे जानवर ने दावत में इनवाइट किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन ये अपना मुंह उठाकर जरूर चले आते हैं। मतलब आप इन्हें वो जानवर समझो जो पार्टीज को खराब करते हैं, और इसी के चक्कर में ये हाइनास कई बार गलत जानवर के चंगुल में भी फंस जाते हैं, जिसकी कीमत इन जानवरों को अपनी जान से चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं हाइनास को शेर से उलझते हुए, क्योंकि हाइनास का शेरों को परेशान करने का काम हजारों सालों से चला रहा है। और कभी कभी तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये कुत्ते झुंड में शेर का भी शिकार कर लेते हैं, तो ज्यादातर हम उन्हें शेर के हाथों ऐसे मरते हुए भी देखते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि शेर इनसे इस हद तक नफरत करते हैं कि शेर चाहे भूखा हो या ना हो फिर भी इन्हें मार डालता है, क्योंकि ये कुत्ते शेर की नाक में इतना दम करते हैं कि शेर का भी मन करता है, रुको बेटा, तुम्हारी रंगबाजी निकालते हैं अभी। जैसे कि इस वीडियो में देखो, शेर ने इस हाइना को अधमरा करके छोड़ दिया, और फिर शेर मन में सोचता है अब भाग के दिखा। और इस शेर की ऐसा करने की वजह बस इतनी है कि ये कुत्ते शेरों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और अब इस हाइना को रेंगते रेंगते किस तरह अपने दोस्तों के पास पहुंचाते तो आप देख सकते हैं। लेकिन वो भी इसकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जंगल का राजा तो पीछे से आता है। दोस्तों, दिन तो छोड़िए, ये कुत्ते रात में भी इन शेर को दांत कड़ा कर भाग जाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो शेर फिर इनके सिर्फ दांत नहीं कड़ाता बल्कि इनकी जान ही निकाल लेता है। और फिर जब शेर की नींद खराब हो गई है तो फिर शेर भी खाने के लिए शिकार नहीं करता, बस इन हाइनास को मौत के घाट उतारने के लिए शिकार करता है। दोस्तों, लकड़बग्घे मतलब हाइनास और जंगली कुत्तों में लगभग सब कुछ सेम ही होता है, क्योंकि ये दोनों की कद काठी बिल्कुल एक जैसी होती है और दोनों ही झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, जैसे कि इस वीडियो में ये हाइना इन जंगली कुत्तों के बीच फंस जाता है, और इसे पता होता है कि अकेले तो ये इन कुत्तों से जीत नहीं सकता, इस वजह से जमीन में चुपचाप लेट जाता है और इन कुत्तों के काटने का कोई रिएक्शन भी नहीं देता। अब इन दो हाइना को देखो जिन्हें जंगली कुत्तों के झुंड ने घेर लिया, लेकिन फिर भी किसी तरह ये हाइना जान बचाकर भाग जाते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा सा हैरान करने वाली है, क्योंकि ये तो पालने वाले कुत्ते हैं जिन्होंने मिलकर हाइना को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कोई इंसान इन कुत्तों से ऐसा क्यों करवा रहा है? हो सकता है हाइनास के बॉडी पार्ट ब्लैक मार्केट में बिकते हो। दोस्तों, तेंदुआ और हाइनास दोनों ही किसी दुश्मन के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और आप इन दोनों जानवर को एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए बहुत ही कम पाओगे। लेकिन कभी कभी जब तेंदुए को कोई शिकार नहीं मिलता तो ये हाइना की भी गर्दन तोड़ देते हैं और इन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि जंगल में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अब जैसे कि इस वीडियो में ये तेंदुआ इस हाइना को खाने से दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाइना भी मानने वाला कहां था और खाना मुंह में दबाकर ही वहां से जाता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जंगली भैंसों की तरफ चलते हैं, जिन्हें मार गिराना शेरों के लिए काफी मुश्किल होता है। तो ये हाइनास कैसे इनका शिकार कर सकते हैं? क्योंकि इनकी जंगली भैंसों के पास इतनी ताकत होती है कि ये शेर को भी मौत के घाट उतार दे, और अगर ये झुंड में है तो इन्हें छूना भी किसी जानवर के बस की बात नहीं। जैसे कि इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देते ही ये हाइना आगे पीछे इस भैंस के मंडराने लगता है, और धीमे धीमे ये कुत्ते इस बेचारे माँ बच्चे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माँ भी बेचारी जितना हो सकता है बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये हाइनास कुछ ज्यादा ही तेजी से बच्चे पर अटैक कर रहे थे। अब इस वीडियो में भी ये भैंस अपने बच्चे के साथ इन हाइनास के बीच फंस जाती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे सिंघम लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए आ रहे हैं, और एक दूसरे के लिए प्यार इन भैंसों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है, और यही चीज इन्हें जंगल में बचे रहने में मदद भी करती है। दोस्तों, जंगली सुअर ऐसे जानवर हैं जो अगर अपने पे आ जाए तो चीता तेंदुआ भी इनसे जान बचाकर भागता है, इसीलिए ज्यादातर केस में हाइनास भी इनसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन इन कुत्तों को अगर मौका मिल जाता है तो ये सुअर के बच्चे को जरूर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वयस्क सुअर को मार पाना इन हाइनास के लिए काफी नामुमकिन होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाइना बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो किसी भी जानवर या इंसान से कुछ भी करा सकती है। अब जैसे कि इस वीडियो में हाइना इस सुअर के बच्चे को मारना तो चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये उसकी माँ से लड़ने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और आखिरकार सुअर इस हाइना पर अटैक कर ही देती है।
अब पता नहीं इस बात का कोई दुख है या नहीं, क्योंकि राइनो से तो बड़े बड़े जानवरों की फट जाती है, तो फिर ये हाइनास आखिर इनका क्या बिगाड़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सी वीडियो देखी है जिसमें शेर या शेर झुंड में राइनो के पीछे दौड़ते हैं और इसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी वीडियो में मैंने शेरों को जीतते हुए नहीं देखा, तो हाइना क्या ही कर लेंगे। तो दोस्तों हाइना ये कर सकते हैं, इन राइनो के प्राइवेट पार्ट पर दांत काट सकते हैं, क्योंकि एक तो राइनो की बॉडी में उससे नाजुक जगह और कोई नहीं होगी और वहां से ब्लीडिंग होने की वजह से राइनो कमजोर पड़ जाएगा और ये कुत्ते उसका शिकार कर लेंगे। तो इस चीज से एक बात ये भी पता चलती है कि इन कुत्तों के पास दिमाग की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है कि किस जानवर को कैसे परेशान करना है। वैसे ये इस राइनो को मार तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो परेशान कर ही लेंगे। अब इस वीडियो में हाइनास इस राइनो के बच्चे का शिकार करने में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चे की माँ ऐसा होने दे तब ना, तब तो ये शिकार करेंगे। वैसे ही इस वीडियो में जब ये हाइना इस राइनो के बच्चे के एकदम करीब आ जाता है, तो बच्चा हाइना से डरता नहीं बल्कि डटकर सामना करता है। लेकिन जब बच्चे की माँ हाइना की तरफ मुड़ती है, तो इस हाइना को वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझ में आती है। हनी बैजर वो जानवर है जिनका लोहा जंगल में हर जानवर मानता है, क्योंकि एक तो ये किसी भी जानवर से डरते नहीं और सांप तो जैसे इनका सबसे मनपसंद खाना है। लेकिन ये हाइना भी बहुत अजीब प्राणी है, क्योंकि ये किसी भी जानवर पर हमला करने से पहले कभी भी सोचते नहीं, लेकिन हनी बैजर का ये पीछा तो करते हैं लेकिन इनका शिकार नहीं करते। पता नहीं क्यों, पर हाइनास इन छोटे हनी बैजर से डरते हैं और हर बार इन्हें छोड़ देते हैं। जैसे कि इस रात में फिल्माई गई वीडियो को देखो, जिसमें दो हाइना और दो हनी बैजर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हनी बैजर इनसे डर कर भागते नहीं बल्कि भगा कर ही दम लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने गधों को हमेशा सामान उठाते हुए ही देखा होगा और इनका नाम डंकी है, तो आप भी सोचते हैं कि ये गधे गधे ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखिए जिसमें हाइना इस गधे की पूंछ पकड़ लेता है। लेकिन इस हाइना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। दोस्तों ये गधा इस हाइना की गर्दन पकड़ लेता है और घसीटते हुए इसे ले जाता है, जो कि हमें ये भी दिखाता है कि गधे की भी सटक जाती है तो वो भी खतरनाक हो सकते हैं। और आप ऐसा मत सोचना कि अरे गलती से गधा यहाँ जीत गया, क्योंकि ये देखो दूसरी वीडियो जिसमें गधा पूरे वजन से इस हाइना के ऊपर बैठ जाता है, जिसमें हाइना वहां से अपनी जान बचाकर बस भागने की सोचती है। दोस्तों अजगर वो जानवर है जो कि चालाक और ताकतवर दोनों ही होते हैं, और आप इनकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये बिल्डर बीस्ट से लेकर मूस तक को आराम से मार गिराते हैं। लेकिन जिनकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं उसे हाइना कहते हैं, और ये भूख की वजह से किसी पर भी अटैक कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हाइना ने गलत पाइथन के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अजगर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों हाइना वो जानवर है जो किसी से भी मतलब किसी से भी जंगल में नहीं डरते, और सबसे बड़ी बात एक बार कोशिश जरूर करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देखो ये हाइना रात के वक्त इस हाथी के बच्चे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये हमला इन हाइना के लिए मौत का पैगाम भी हो सकता है। वैसे ही सेम एक जिराफ से भी ये जानवर पंगा लेने से डरते हैं, लेकिन ये बच्चे इन हाइनास के लिए एक आसान शिकार जरूर हो सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में 15 महीने की प्रेगनेंसी के बाद ये जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है, जो कि लगभग 200 किलो और 6 फीट ऊंचा बच्चा है। और सबसे बड़ी बात जिराफ के बच्चे आधे घंटे से भी कम समय में चलना सीख लेते हैं। लेकिन इस क्लिप में देखिए जिसमें इन हाइनास की नजर इस जिराफ के बच्चे पर बनी हुई है, लेकिन उसे उस जिराफ की माँ भी ठीक उसके पास खड़ी दिख रही, और जिराफ की एक किक इन हाइनास का मुंह तोड़ सकती है। लेकिन फिर भी हाइनास कोशिश करते हैं, लेकिन जिराफ तुरंत अपने बच्चे को बचाने आ जाता है, जिसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों ऐसे ही चीता के बच्चों को भी इन हाइनास का सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि हाइनास के लिए चीता के बच्चे बहुत ही ज्यादा आसान शिकार होते हैं, लेकिन एक वयस्क चीता इन हाइनास से आराम से जीत सकता है। जैसे कि इस वीडियो में देखिए जब ये चीता इस हाइना पर हमला करता है, तो हाइना कैसे दुम दबाकर भाग रहा है, लेकिन चीता के लिए शिकार करने से ज्यादा मुश्किल इन हाइनास से शिकार को बचाना होता है, जो कि इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।